ये चूड़िया सुंदर तो है बट ईद के लिए नॉट एप्लीकेबल। बढ़िया है पू बनने वाली, ईद वाले दिन तो पू भी पार्वती बन जाती है। हाँ छोटी, तो हम भी पार्वती ही बनेंगे, पू नहीं, बस ओल्ड बैंगल का थोड़ा सा मेकओवर कर रहे हैं। तो जल्दी से दो बैंगल को आपस में ग्लू कर लिया, अब लेंगे पर्ल। तो आप व्हाइट, गोल्डन, सिल्वर कोई भी पर्ल ले सकते हो और फिर वन बाय वन पर्ल इंसर्ट कर देंगे। अपने बैंगल के साइज के अकॉर्डिंग जितनी पर्ल्स रिक्वायर्ड है उतनी इंसर्ट कर लो। मैंने टोटल 18 किए और फिर लास्ट में एक नॉट टाई कर दिया और उस नॉट में भी ग्लू लगा दिया ताकि बिल्कुल भी खुलने का चांस ना हो। और अब इन पर्ल्स को बैंगल में अटैच करने के लिए हमें चाहिए प्लास्टिक थ्रेड। तो सबसे पहले एक नॉट टाई करेंगे और उसके बाद राउंड एंड राउंड करके पूरा कंप्लीट करेंगे। और लास्ट में भी नॉट टाई करना बिल्कुल भी मत भूलना वरना सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो ऐसे ही मैंने डिफरेंट साइज के पर्ल यूज करके और भी सारे बनाए हैं एंड इट्स रेडी। चलो जल्दी से कमेंट में ईद मुबारक लिख दो। वाह जालिमा कमाल ही कर दीता।